हिंदू विश्वविद्यालय में आधी रात जमकर धमाल हुआ। सैकड़ों छात्रों के बीच एक पत्थर और डंडे से एक दूसरे पर वार किया गया। इसमें चार छात्र घायल भी हुए। इन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया, जहां चारों का इलाज चल रहा है। बिट्टू बाबू, हर्षित चौधरी, अरुण प्रताप यादव और चंदन मेहता को काफी गंभीर चोटें आई हैं। सोमवार की आधी रात कैंपस में लाल बहादुर शास्त्री और बिड़ला की हॉस्पिटल के 100 से ज्यादा छात्र आमने सामने आ गए। मारपीट की सूचना के बाद कई थानों की पुलिस पहुंची और झड़प को शांत कराया। इस दौरान पूरी रात कैंपस में गश्त करती रही। वहीं पुलिस को देखकर बिड़ला सी के छात्र वापस हॉस्टल लौट गए, तो वहीं LBS हॉस्टल के छात्र बिड़ला चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने जमकर विश्वविद्यालय बिड़ला छात्रों के खिलाफ नारे लगाए। मौके पर 6 थानों की पुलिस फोर्स लेकर पहुंची। तीनों को SAP प्रवीण सिंह और चीफ डॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह की टीम ने LBS के छात्रों को काफी देर तक मनाया, मगर उनकी मांग थी कि दोषियों पर कार्रवाई हो। उनके कई दोस्तों को घायल किया गया है। ACP ने कहा कि CCTV फुटेज निकालकर जांच की जाएगी, घर हॉस्टल में लौट जाए। रात में घर पाकिस्तान का मैच खत्म होते ही झड़प की आवाज़ें आने लगी थी। कैंपस में स्थित लाल बहादुर शास्त्री और बिरला हॉस्टल के छात्र अपने अपने कमरों से ही खूब हल्ला मचाते हुए बाहर निकले। तभी दोनों पक्षों के बीच खूब पत्थरबाजी और मारपीट हुई। यह बवाल बिरला हॉस्टल से रहने वाले PPED कोर्स और LBS के छात्रों के बीच फवाद हुआ था। Your report, I can.